सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है भारत की नदियां श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम पेरियार नदी। केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील। चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर यह अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर। लक्ष्मी, लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है। अरे, और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं। हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना। हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना। हाँ? देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ 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 सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो। क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं? देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया। अच्छा। जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया। तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए। हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है। हाँ ये तो दिख ही रहा है। वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं। वो यही के कर्मचारी लगते हैं। हाँ चलो चलो। एक्सक्यूज मी। जी हाँ कहिए। जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता। नमस्ते। नमस्ते। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। जी वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अच्छा कमल जी, जी क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है? असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है। ओहो। ये जगह उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना? हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है जी। अच्छा, बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ओ। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है। बिल्कुल अच्छा? ठीक कहा आपने। क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है। अच्छा तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी? भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं। मैंने देखी है काफी पहले। वाह क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी। अच्छा। और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है। अच्छा। अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है। कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं? यही रेस्ट हाउस में। रेस्ट हाउस में जी? तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, तो चलिए कल मिलते हैं। ओके ओके बाय बाय। ओके सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे। हाँ। अरे लगता है कमल जी आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए, स्वागत है आपका। तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं। जी आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में? कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली हैं। हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई। अच्छा। मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है। मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है? देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है। वांडी पेरियार? हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडु नाम की जगह है जी, जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है। अच्छा। यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है। ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना? यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं। हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है। अच्छा। और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथातन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है। हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं। हाँ। मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं, और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं। पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।
मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है। अच्छी। पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है और दूसरी इलोर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं। ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है? जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं। वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं। तो करो ना सुनीता। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से। बिल्कुल। नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना? पेरियार नदी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय समन्वय, शोध एवं आलेख अख्तर हुसैन, कलाकार राजेश आहूजा, हर्ष बाला, गीता वर्मा और प्रवीण शर्मा, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।